आप पार्टी लगातार अपने संगठन और बूथ स्तर पर लगातार काम कर रही है। आपकी नीतियों से प्रभावित होकर आप पार्टी से लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी प्रदेश में लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश में अपने संगठन विस्तार को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष SS कलार ने एक प्रेस वक्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि पार्टी ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में 70 संगठन मंत्री बनाए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 2 नए प्रवक्ता जबकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में पूर्व IAS सुबोध शाह को जगह दी है। अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश की जनता BJP सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता को आज तक कोई भी विकल्प नहीं मिल पा रहा था। इस कारण प्रदेश की जनता को मजबूरन अपना वोट सिर्फ 2 ही दलों को नेताओं को देना पड़ता था, लेकिन आप पार्टी प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ आई है। आप पार्टी से लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। आप पार्टी ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उसके बारे में प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। विधानसभा संगठन मंत्री के तौर पे लेके आए हैं और एक बुद्धिजीवी नाम जोड़ा है स्वर्गीय शाह जी का, और प्रदेश प्रवक्ता में 2 नाम जुड़े हैं, राजेंद्र बडोला और गंगोत्री से है, और दूसरा नाम जोगिंदर चौहान है धामपुर विधानसभा से। क्या संगठन को लेकर आगे भी विस्तार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी हम और विस्तार काफी कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपको फिर एक और सूची मिलेगी जिसमें जिले लेवल के होंगे और कई तरह के स्टेट के लिए पद भी लग रहा होगा। हमारी पार्टी दूसरी पार्टी को तरह शोर शराबा और ये चीजें नहीं करती। बूथ लेवल पे जितना काम हमारे पास है ना भाजपा के पास है, कांग्रेस को आसपास भी नहीं उस काम के फर्क। हमारे पास बूथ लेवल पे 100% भी कई मतलब विधानसभा 100% भी बूथों पे काम हो चुका है और पूरे प्रदेश में हमारे पास 75-80% से ऊपर काम हो चुका है। अभी नहीं टिक पाएगी क्योंकि भाजपा के आपने जिस तरीके से देखा कल मुख्यमंत्री जी का सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे को नंबर खींच के ले गए। हम पहले से कह रहे थे भाजपा ने 5 सालों में कोई काम नहीं करा, वो जनता भी समझ चुकी है और जो सर्वे के अपने ABP न्यूज और 80 वोटर के आ रहे हैं उससे आपको पता है भाजपा से। इसलिए थोड़ा सा हम मानते हैं भी भाजपा इस टाइम सत्ता में सत्ता का थोड़ा सा दुरुपयोग करेगी।